दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक ऐसा बिलिंग सिस्टम चाहते हैं जिसमें एक क्लिक में जो है आप अपने इनवॉइस को प्रिंट आउट कर सकें और उस बिलिंग सिस्टम को ऑपरेट करना इतना इजी हो कि कोई भी उसको ऑपरेट कर सके, तो ऐसे में हम लोग आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही बिलिंग सिस्टम के डेमो को देखने वाले हैं और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इस बिलिंग सिस्टम को कैसे हम लोग बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बिलिंग सिस्टम को। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिलिंग सिस्टम को बनाना बहुत ही इजी है और इसको यूज करना भी बहुत ही इजी है। यहां पर दोस्तों, ये बिलिंग सिस्टम जो है केवल दो फॉर्म का है, हम लोग इसमें किसी प्रकार का कोई भी कोडिंग यूज नहीं करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बिलिंग सिस्टम के डेमो को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पर एक फाइल है बिलिंग सॉफ्टवेयर नाम से, ये फाइल जो है एमएस एक्सेस का है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो इस फाइल को ओपन करते ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक डैशबोर्ड नाम से फॉर्म ओपन हुआ है और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कुछ बटन है, सबसे पहले है कस्टमर, उसके बाद ऑर्डर्स और यहाँ पर एक और बटन है जो कि इस एप्लीकेशन से एग्जिट होने के लिए है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर्स का है, ऑर्डर्स में अगर आप नया ऑर्डर्स ऐड करना चाहते हैं या फिर पुराने ऑर्डर्स का यहाँ पर इनवॉइस लेना चाहते हैं तो ऑर्डर्स पर जा करके यहाँ से ले सकते हैं, प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप नया ऑर्डर लेना चाहते हैं तो न्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ऑर्डर आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा और डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक 25 जनवरी जो है आज का यहाँ पर डेट है। उसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फिलहाल मैंने अभी तक 4 ही कस्टमर्स का यहाँ पर नाम जो है ऐड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग प्रदीप कुमार को ले लेते हैं और उसके बाद टाइप प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दे देते हैं मोनीटर, क्वान्टिटी यहाँ पर देते हैं 2 और यहाँ पर रेट दे देंगे 7000। टाइप प्रेस करते हैं, यहाँ पर अमाउंट जो है 14000 ऑटोमेटिक आ चुका है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और अगर आप और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे में ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर UPS, यहाँ पर क्वान्टिटी देते हैं 2 और रेट यहाँ पर दे देंगे 2500। टाइप प्रेस करते हैं, यहाँ पर 5000 आ चुका है। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर दे देते हैं कीबोर्ड 2 पीस ले लेते हैं, उसके बाद प्राइस यहाँ पर कर देते हैं 450। उसके बाद सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं और अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो यहाँ पर प्रिंट आउट इनवॉइस पर क्लिक करके इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है पेड का, अगर आपका इस बिल का पेमेंट हो चुका है तो पेड पर क्लिक करके इसको इनवॉइस ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट आउट जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका इनवॉइस, यहाँ पर नेम है, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट में यहाँ पर तीनों आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं और यहाँ पर ग्रैंड टोटल, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट भी है और यहाँ पर ऑर्डर आईडी, उसके बाद ऑर्डर डेट, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्डर डेट में जो समय है यानी कि जो टाइमिंग है यहाँ पर टाइमिंग भी आपको शो हो रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑथराइज का यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इस साइड में पेज नंबर और उसके बाद जो है यहाँ पर एक मैसेज भी शो हो रहा है, थैंक यू विजिट अगेन। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं, वापस आते हैं डैशबोर्ड पर। आई होप कि इस ऑर्डर डिटेल्स का जो फॉर्म है इसके बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से डैशबोर्ड पर भी आ सकते हैं या फिर अगर नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कस्टमर पर क्लिक कर लेंगे और डायरेक्ट हम लोग ऐड कस्टमर फॉर्म पर चले जाएंगे या फिर आप यहाँ से कस्टमर्स पर भी क्लिक करके आप कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से आप किसी भी स्पेसिफिक जो रिकॉर्ड आप पहले से सेव करके रखे हैं उसका भी यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर देखना चाहें कि इसने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है तो ऑर्डर्स पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है
राहुल कुमार का जो भी ऑर्डर्स है यहाँ पर शो हो चुका है। यहाँ पर चार ऑर्डर्स है, टी शर्ट, जीन्स, अंडरवेयर और उसके बाद शर्ट्स का। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर और भी इस ऑर्डर में आइटम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं वापस अपने कस्टमर फॉर्म पर और यहाँ पर हम लोग न्यू कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नेम देंगे श्याम। तो श्याम देते ही यहाँ पर कस्टमर आईडी जो है ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर शर्मा दे देते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पर देते हैं श्याम@gmail.com, एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं, स्टेट यहाँ पर कर्नाटका, सिटी बेलगम कर देते हैं, पिन कोड 590016 दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमर सिंस, यानी कि आपका ये कस्टमर जो है कब से ज्वाइंट हुआ है आपके साथ। तो यहाँ से आप आज का भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आज से ज्वाइंट हुआ है, या पहले से ही आपके साथ यहाँ पर कनेक्टेड है तो आप यहाँ से पहले का भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है एक्टिव का, यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर आपका कस्टमर एक्टिव है तो, और अगर आपका कस्टमर एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर अनचेक रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसको चेक रखते हैं, उसके बाद सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसका रिकॉर्ड, तो डिलीट कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज होगा, आर यू अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों आई होप कि ये बिलिंग सिस्टम को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने इस बिलिंग सिस्टम को कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसको क्लोज करते हैं और यहाँ से हम लोग वापस से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं और यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस खोल लेते हैं और यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर 1.0। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल 1 नाम से यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में आएंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कस्टमर टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं कस्टमर टेबल और साथ ही यहाँ पर हमारा टेबल डिजाइनिंग का विंडो भी ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दे देंगे कस्टमर आईडी। यहाँ पर कस्टमर आईडी के बीच में हम लोग स्पेस नहीं देंगे और इसका डेटा टाइप हम लोग ऑटो नंबर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोग इस टेबल का डिजाइनिंग कर रहे हैं सेम उसी प्रकार से आप भी कीजिए। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट नेम, डेटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद दे देंगे लास्ट नेम, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, उसके बाद दे देंगे ईमेल। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, डेटा टाइप इसका भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पर दे देंगे एड्रेस, डेटा टाइप इसका भी हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद दे देंगे स्टेट। नेक्स्ट लाइन में इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद सिटी, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद दे देंगे पिन कोड, डेटा टाइप नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, उसके बाद दे देंगे मोबाइल, लार्ज नंबर रखेंगे। उसके बाद कस्टमर सिंस, डेटा टाइप हम लोग यहाँ पर डेट एंड टाइम रखेंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा फील्ड है एक टीम, उसके बाद डेटा टाइप यहाँ पर रखेंगे यस नो। और यहाँ पर हम लोग फील्ड साइज जो है इसका चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे शॉर्ट टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पर जो हमारा फील्ड साइज है यहाँ पर 255 है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 25 ओनली। उसके बाद स्टेट में भी सेम इसी तरह से 25 करते हैं, एड्रेस में भी 25, ईमेल एड्रेस में यहाँ पर कर लेंगे 20, लास्ट नेम में यहाँ पर करेंगे 20, फर्स्ट नेम में भी 20। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो आप कंट्रोल एस प्रेस करके भी इसको सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव कर लेंगे। यस दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है, दिस डेटा टाइप इज नॉट कंपैटिबल विथ अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी कि इस टेबल में कुछ ऐसे डेटा टाइप लिए हैं
जो कि हमारे पिछले वर्जन यानी कि 2019 के पहले का जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एप्लीकेशन है उसमें जो है ये डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर एक मैसेज हो रहा है, तो हम लोग यस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 के एप्लीकेशन में ही यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, क्लोज हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस चैनल पर और भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो मिलेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, और साथ ही आपको प्रोग्रामिंग का भी वीडियो मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिक में बिलिंग सिस्टम कैसे बनाए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगे। दोस्तों इन सभी प्रोग्राम्स का जो है कोड के साथ, डिजाइनिंग के साथ सभी कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। तो इन सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी इन सभी वीडियोज को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो और टेबल्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, सो क्रिएट टैब में आएंगे, उसके बाद टेबल डिजाइनिंग का विंडो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ऑर्डर टेबल। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देंगे ऑर्डर आईडी, डेटा टाइप हम लोग इसका ऑटो नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद कस्टमर आईडी, डेटा टाइप इसका हम लोग नंबर रखेंगे केवल। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद ऑर्डर डेट, डेटा टाइप डेट एंड टाइम। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद पेड, डेटा टाइप यस नो रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं नोट्स, और दोस्तों इस टेबल में हम लोग केवल 5 ही फील्ड्स रखेंगे। और यहाँ पर हम लोग आएंगे ऑर्डर डेट में, यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे देंगे इज इक्वल टू नाउ, टाइप प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा कि जो ऑर्डर डेट का फील्ड रहेगा उसमें ऑटोमेटिक जो है करेंट डेट यानी कि आपके सिस्टम में जो भी डेट रहेगा वो उसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। यहाँ पर हम लोग नोट्स का जो फील्ड साइज है केवल इसका हम लोग 25 करेंगे, और उसके बाद सेव करेंगे कंट्रोल एस, और यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे ऑर्डर टेबल, उसके बाद सेव कर लेंगे। यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है तो प्राइमरी की दे देंगे यस, आ चुका है। उसके बाद सेव करेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, सेव हो चुका है। इसके बाद अगला हमारा टेबल आएगा ऑर्डर डिटेल टेबल। तो वापस आते हैं क्रिएट टैब में, टेबल डिजाइनिंग का विंडो ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग देंगे सबसे पहले ऑर्डर डिटेल आईडी, डेटा टाइप ऑटो नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन, इसके बाद दे देंगे ऑर्डर आईडी, डेटा टाइप नंबर। नेक्स्ट लाइन में आएंगे प्रोडक्ट नेम, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, उसके बाद देंगे क्वांटिटी, डेटा टाइप नंबर रखेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, उसके बाद दे देंगे प्राइस, डेटा टाइप हम लोग करेंसी रखेंगे। तो दोस्तों इस टेबल का भी फील्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस टेबल में केवल 5 ही फील्ड रहेगा। इसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस, और यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर डिटेल टेबल ऑर्डर ये करके सेव करेंगे। सेम यहाँ पर भी हम लोग प्राइमरी की नहीं दिए, इसके लिए यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, यस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। तो दोस्तों इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने 3 टेबल्स क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स की डिजाइनिंग करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।